चौथ की व्रत की महिमा मिलकर सारी बहने गाए। करवा चौथ माता का बहनों आओ सारी ध्यान लगाए। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जब भी आती पावन चतुर्थी इस दिन व्रत रखती है सुहागन। चौथ माँ उसकी सारी मन की इच्छा करती पूरी। आस करती कोई अधूरी। पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है सुहागन। पूरे दिवस निर्जल रहती है गौरा माँ का करती है पूजन। सुहाग हमारा खुशियों का छाई उजियारा। गौरा माता से वो कहती चरणों में नतमस्तक होती। रात में चांद को अर्घ लगा कर अपने पति के चरण को छूकर गौरा माँ का ध्यान लगाती। उसके बाद में भोजन खाती। चौथ की बहना तुमको आज बताए। करवा चौथ माता का मिलकर महिमा आज सुनाए। सात पुत्र थे एक सेठ के मिलजुल कर सारे रहते थे। सात भाइयों की एक थी बहना उस बहना का नाम था करवा। भोजन करते थे करवा बहना सातों भाई। एक समय की बात है करवा अपने मायके रहने आए। काम सभी निपटा कर अपना शाम को घर आए सब भाई। भोजन करने जब वो बैठे करवा दौड़ के आए। तू भी भोजन कर ले बहना मिलकर बोले सारे भाई। करवा चौथ का व्रत है पावन अभी नहीं मैं करूँगी भोजन। रात में चांद को अर्घ लगाऊं उसके बाद ही भोजन खाऊं। जल निराहार है रहना माता का पूजन है करना। करवा ने बोला भाइयों से व्रत करना है पूरी विधि से। रात में काफी देर तलक जब निकल नहीं पाया था चांद तब भूख के कारण अब करवा की छोटे भाई ने जब ये देखा करवा भोजन।
चांद को अर्घ लगाया जाके, बिन सोचे और बिन कुछ जाने करवा बैठी खाना खाने, पहला टुकड़ा जैसे उठाई चीख तभी करवा को आई। जैसे दूजा टुकड़ा उठाया उस टुकड़े में बाल थपाया, तीसरा टुकड़ा खाने लगी जब पति के मरने की खबर मिली, तब सुनकर खबर वो अपने पति की जोर जोर से रोने लगी थी, व्रत का नियम नहीं है निभाया उसकी भाभी ने बतलाया। सारी ही सच्चाई बताई करवा के तब समझ में आई, करवा ने ये किया इरादा अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, अपने सतीत्व से अपने पति को के पास करवा अब इसी विश्वास, दोबारा पाऊंगी सुहाग मन में उसकी थी ये आस, एक वर्ष की हुई थी लाश उगने लगी थी उस पर घास, तोड़ तोड़ कर उस घास को साल के बाद में आया करवा चौथ का व्रत दोबारा, उसकी सारी ही भाभियों ने मन से किया फिर ये व्रत प्यारा, बारी बारी से सब भाभियां आई थी करवा के पास में, सारी भाभियां अपनी ननद से लगाए, सबसे छोटे से तू कहना करवा को ये बात सुझाए, उसके पति के कारण ही तो आए हैं तेरे दिन ऐसे, उसके पांव तो पकड़े रहना जब तक तुझको अपने हाथों से थे जकड़े, भाभी ने उसे धक्का मारा करवाने पर पांव न छोड़े।
सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं, हम गाथा गाते हैं। कैसे रखा जाता ये व्रत हम तुम्हें बताते हैं, हाँ तुम्हें बताते हैं। आज तुम्हें हम करवा चौथ की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। बताते हैं आज तुम्हें हम करवा चौथ की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। से मिलता है ग्रह
जोश, बहना प्यारी मर ना जाए, सोचे सभी उपाय। पेड़ के पीछे जलती मशाल बहना को दी दिखाए। देखो चंदा निकला बहना, यूं समझाते हैं, हाँ यूं समझाते हैं, सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं। हम गाथा गाते समझाई। सभी लोग तो बुरे वक्त में काम नाते हैं, हाँ काम नाते हैं, सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ¡Gracias!
चाहते हैं, सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिंह ये
करवा चौथ के व्रत की गाथा, आओ तुमको मैं बतलाता, ध्यान से सुनना बहना सारी। जो नारी इस व्रत को रखती, सच्चे भाव से ये व्रत करती, खुशी कभी नहीं घर से जाती। करवा चौथ का व्रत है पावन, नारियों का ये व्रत मन भावन, इस दिन सज धज कर सब नारी। पत्नी करती 16 श्रृंगार, पति से लेती वो उपहार, रात में चांद को अर्घ दिलाती, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का आता व्रत है, चतुर्थी के दिन व्रत सब करती। करवा चौथ के व्रत की कहानी, आओ सुनाऊं अपनी जुबानी, तुमको कहानी बताऊं बात। एक सेठ के पुत्र थे सात, रहते थे सब एक ही साथ, सातों की एक प्यारी बहना, पावन दिन आया इस व्रत का, करवा आई हुई थी मायका, खाना खाने बैठे जब भाई, भाई बोले तब बहना से, बहना भी तू खा ले खाना, करवा ने तब आकर बोला, शाम में चांद को अर्घ लगा के, श्रद्धा भाव से पूजा करके, भोजन करूंगी उसके बाद, रात को काफी देर तक चांद नहीं निकला, भूख के कारण करवा की बढ़ी थी व्याकुलता, बहन की भूख से ये व्याकुलता, छोटा भाई देख न पाता, उसने मन में सोचा उपाय, थोड़ी दूरी पे उन्होंने जाकर, एक पीपल के वृक्ष के ऊपर दीपक एक जला दिया था, बहन ने भाई से बोला आकर, छत पर बहना देखो जाकर, चांद निकल आया अंबर पर, करवा ने बिन सोचे समझे, शीघ्रता में ही छत पे जाके, चांद को अर्घ लगा करके, जैसे ही पहला टुकड़ा खाई, करवा को तब छींक थी आई, जैसे ही दूसरा टुकड़ा खाया तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाया, पति की मृत्यु का समाचार आया, बिलख बिलख कर रोने लगी वो, भाभियों ने उसको बतलाया, व्रत का नियम नहीं था निभाया, जिसको उसने समझा चांद, करवा ने तब किया था ये प्रण, अपने दोष का करूं निवारण, अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, लेकर मन में वो विश्वास, बैठ गई थी लाश के पास, धीरे धीरे बीता समय, लाश में सुई सी उगी थी घास, तोड़ तोड़ कर लाश से घास, रखने लगी वो अपने पास, एक साल जब बीत गया, उसकी सारी भाभियों ने पुनः रखा ये व्रत, अपनी ननद से आशीर्वाद लेने आई सब,
पहली भाभी जब थी आई करवाने ये अर्जी लगाई यम सुई ले लो पिया सुई दो पहली भाभी का था कहना मैं नहीं कर सकती ये बहना दूसरी आए तो उससे कहना दूसरी भाभी जब थी आई करवाने यही अर्जी लगाई अगली आए तो उससे कहना तीसरी आई चौथी आई उन्होंने भी यह बात बताई पांचवी भाभी जब थी आई जब छठवी भाभी थी आई करवाने यही अर्ज लगाई यम सुई ले लो पिया सुई दे दो छठवी भाभी का था कहना ध्यान से करवा बात तो सुनना सातवी भाभी जब आएगी उसके पति के ही तो कारण ऐसा हुआ है तेरा ये जीवन वो ही दिलाएंगी जीवन दान उसके पाँव को तू ना छोड़ना जब तक तुझको हाँ कह देना वो ही बनाएगी तेरी बात अंत में सातवीं भाभी आई करवाने यही अर्जी लगाई यम सुई ले लो पिया सुई दे दो उसने भी जब मना ही कर दी करवा बेचारी रोने लगी थी पाँव पकड़ लिए भाभी के तब भाभी पाँव छुड़ाने लगी धक्का देती उसे करवाने भी भाभी के पाँव कस के पकड़े बिलख बिलख कर रोने लगी थी बार बार यही कहने लगी थी यम सुई ले लो पिया सुई दे दो करवा की जब हालत देखी भाभी थोड़ी सी थी पसीजी अपनी छोटी उंगली थी चीरी अमृत की जो धारा थी निकली उसके पति के मुंह में गिरी थी श्री गणेश का नाम वो लेकर हाथ जोड़ कर फिर करवाने भाभी का उपकार मनाया गणेश गौरा माँ की दया से उसके पति ने जीवन पाया श्री गणेश हे गौरा माता तुम तो सबके भाग्य विधाता जैसे इसे दिया जीवन दान व्रत में भूल कोई नहीं करिए विधि से व्रत का पालन करिए रहेगा सबका अमर सुहास मैया के आशीष को पाओ सच्चे मन से ध्यान लगाओ जीवन में कोई कष्ट न होगा करवा चौथ का व्रत है पावन व्रत करने से पति की उलझन मिट जाती जीवन की सारी खिलती खुशियों की फुलवारी माता कृपा कर देती है सारा संकट हर लेती है श्रद्धा भाव से जो व्रत करता रोग शोक संताप मिटाती जीवन में है प्रताप बढ़ाती सबका अमर सुहाग मकरती खुशियों से माँ झोली भरती हर नारी के जीवन में दीना खुशी अपार हाथ जोड़ वंदन करे शर्मा बारंबार।
करवा चौथ के व्रत की कहानी आओ तुमको मैं सुनाती, ध्यान से सुनना बहना सारी। व्रत को रखती सच्चे भाव से ये व्रत करती, खुशी कभी नहीं घर से जाती। आयु लंबी होती। करवा चौथ का व्रत है पावन, नारियों का ये व्रत मन भावन, इस दिन सज धज कर सब नारी। पत्नी करती है 16 श्रृंगार, पति से वो लेती उपहार, रात में चांद को अर्घ देती, बाद ही भोजन लेती। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत आता है, चतुर्थी के दिन व्रत सब करती। करवा चौथ के व्रत की कहानी आओ सुनाऊं अपनी जुबानी, तुमको कहानी सुनाऊं आज। बहुत पुरानी है ये बात। एक सेठ के पुत्र थे सात, रहते थे सब एक ही साथ, सातों की एक प्यारी बहना। पावन दिन आया इस व्रत का, करवाई हुई थी माए का, खाना खाने जब बैठे भाई, बहन को तब आवाज लगाई। भाई बोले तब बहना से, बहना तू भी खा ले खाना, करवा ने तब आकर बोला। शाम को चांद को अर्घ लगा के, श्रद्धा भाव से पूजा करके, भोजन करूंगी उसके बाद। तब तक मेरा है उपवास। रात को काफी देर तक चांद नहीं निकला, भूख के कारण करवा की बड़ी थी व्याकुलता। बहन की भूख से ये व्याकुलता, छोटा भाई देख न पाता, उसने मन में सोचा उपाय हल हो जाए। थोड़ी दूर पर उसने जाकर एक पीपल के वृक्ष के ऊपर दीपक एक जलाया था, चांद के जैसा वो दिखता था। बहन से भाई ने बोला आकर, छत पर बहना देखो जाकर, चांद निकल आया अंबर पर। लगाओ चांद को जाकर। करवाने बिन सोचे समझे, शीघ्रता में ही छत पे जाकर, चांद को अर्घ लगा करके बैठ गई खाना खाने को। जैसे ही पहला टुकड़ा खाई, करवा को तब छींक थी आई, जैसे ही दूसरा टुकड़ा खाया मुंह में बाल खाया। तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाई, पति की मृत्यु की खबर थी आई, बिलख बिलख कर रोने लगी वो, अपना धीरज खोने लगी वो। भाभी उन्हें उसको बतलाया, व्रत का नियम नहीं निभाया, जिसको उसने समझा चांद करवाने। तब किया ये प्रण, अपने दोष का करूं निवारण, अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, इनको जीवन। लेकर वो मन में विश्वास, बैठ गई थी लाश के पास, धीरे धीरे बीता समय, कर लाश से घास रखने लगी वो अपने पास। एक साल जब बीत गया, चौथ का व्रत आया, उसकी सारी भाभियों ने उन्हें रखा ये व्रत, अपनी ननद से आशीर्वाद लेने आई सब। पहली भाभी जब थी आई, करवाने ये अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दो, भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। पहली भाभी का था कहना, मैं नहीं कर सारी ये
बहना, दूसरी आए तो उससे कहना, अपनी प्रार्थना करना। दूसरी भाभी जब थी आई, करवाने यही अर्जी लगाई, अगली आए उससे कहना, यही बात बताई। तीसरी आई, चौथी आई, उन्होंने भी यही बात बताई, पांचवी भाभी जब थी आई, जब छठवी भाभी थी आई, करवाने यही अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, सुहागन मुझे भी कर दो। छठवी भाभी का था कहना, ध्यान से करवा बात को सुनना, सातवी भाभी जब आएंगी के पति के ही तो कारण, ऐसा हुआ है तेरा जीवन, वो ही दिलाएंगी जीवन दान, बात लगा कर ध्यान। उसके पाँव नहीं छोड़ना, जब तक तुझको हाँ कर देना, वो ही बनाएंगी तेरी बात, सातवी भाभी आई, करवाने यही अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, सुहागन मुझे भी कर दो। उसने भी जब मना ही कर दी, करवा बेचारी रोने लगी थी, पाँव पकड़ ली भाभी के तब, उसे करवाने भी भाभी के पाँव कस कर थे पकड़े, बिलख बिलख कर रोने लगी थी, बार बार यही कहने लगी थी, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, सुहागन मुझे भी कर दो। करवा की जब हालत देखी, भाभी थोड़ी सी थी पसीजी, अपनी छोटी उंगली थी चीरी, अमृत धारा निकली, अमृत की जो धारा थी निकली, उसके पति के मुंह में गिरी थी, श्री गणेश का नाम बोले कर, बैठ जाता है वो फिर उठ कर, हाथ जोड़ कर फिर करवाने, भाभी का उपकार मनाया, गणेश गौरा माँ की दया से पति ने जीवन पाया, श्री गणेश हे गौरा माता, तुम तो सबके भाग्य विधाता, जैसे से दिया जीवन दान, सबका ही करना कल्याण, व्रत में भूल कोई नहीं करिए, विधि से व्रत का पालन करिए, रहेगा सबका अमर सुहाग, के आशीष को पाओ, सच्चे मन से ध्यान लगाओ, जीवन में कोई कष्ट ना होगा, सारा ही सुख तुम्हें मिलेगा। करवा चौथ का व्रत है पावन, व्रत करने से पति की उलझन मिट जाती, जीवन की सारी खुशियों की फुलवारी, माता कृपा कर देती है, सारा संकट हर लेती है, श्रद्धा भाव से जो व्रत करता, पूर्ण फल है मिलता, रोग शोक संताप मिटाती, जीवन में है प्रताप बढ़ाती, सबका अमर सुहाग मकरती, झोली भरती, हर नारी के जीवन में देना खुशी उपहार,